ましょう。カプー、いや、カプー、カプー、カプー、देखते रहिए क्या गिफ्ट लाई हूं मैं। ये इसका मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा ऊनी मोजे दे दी, सर्दी में पहनता तो सही मैं। कपूर शर्मा, डोंट मेस विद मी हियर, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूं, अदरवाइज मेरे हैंड प्रिंट हो जाएंगे आपकी गाल के नियर। मैं यहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक देने आई हूं, सो जस्ट शट अप एंड हियर। एक बात बताओ विद्यापति जी, आप टीचर है कि अपने मोहल्ले की अनूप जलोटा हैं आप? जब देखो आपको गाने में इंटरेस्ट रहता है। इतनी अच्छी गद्दी भगवान ने दी हुई सर के ऊपर, इसके ऊपर खड़ा रख के पानी भर के ले आओ जाके। अच्छा माया पाजी यूटिलाइज नहीं करती। इसमें काम करो ना, इसमें छेद करा ना, इसमें पानी डाल दिया करो, जब तुम ब्रश करोगे ना ऐसे ऐसे करके तो इधर से निकल। पागल कहेंगी। हो गया आपका? कपूर शर्मा, डोंट टेक टेंशन, म्यूजिक इज माय पैशन, ऐसे तुझे प्लीज पे सम अटेंशन। ओके। कौन आने वाला नानी, आपने बताया नहीं। एक दिन देखना सिद्धू भाजी, अपने जूड़े की वजह से गिरेगी। ये करके गिरना तूने किस दिन? 40 किलो की है, ऊपर 55 किलो का जूड़ा रखा हुआ तुमने। Just shut up! इतना कौन बोला था बजाने के लिए, इतना तो उसकी फिल्म में नहीं बजाता। कैसे आप? ये बट ऐसे कौन लेके आता है मेहमान को? तुम मैं क्या करती? ऐसे हाथ बांध के कोई लेके आता है मेहमान को? तुम मैं क्या करती कप्पू? जब भी मैं इसको लेने के लिए जाती, कोई अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहा होता। तो मुझे भी समझ में आ गया कि घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो पूरा पूरा का डब्बा उठा के ले आई मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, welcome to the 64th edition of the Kapil Sharma Show. इसको रोक, इसको रोक, ये तो शुरू हो गया, वरना होस्टिंग के पैसे लेगा बाद में तुझसे। तेरी दुकान बंद। करण जी, मैं बताता हूँ, मैं विद्यावती, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इससे पहले मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा। यस, लेकिन नानी ने जो आपके साथ हरकत की है ना, बेहुदा हरकत। नानी ने मुझे जो नानी याद दिला दी, वाकई ऐसी शक्ल लेके तुम सर के घर कैसे घुसी? तुम्हें इतनी सिक्योरिटी होती वहां पर? जवाब दो। हाँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ। तुम्हारा टाइम ले रही है। अरे अगर सारा रास्ता बंद हो जाए ना, तो ऊपर वाला एक रास्ता खोल देता है सिद्धू साहब। कैसा? गटर का। जी, जी, जी। मैं बांद्रा के नाले में कूदी डुबुक, इसके बाथरूम से निकली पुतू, इसको उठा के ले आई। अरे गटर में बदबू नहीं आई आपको? अरे जिसके ताजा ताजा हुआ हो जुकाम, बदबू क्या बिगाड़ेगा उसका काम। अच्छा चल चल। ये क्या है? ठीक है, तेरे हाथ खाली क्यों है? स्वागत के लिए कपूर नहीं लाई? अरे सारे कपूर तो इनको डेट्स देके बैठे, मैं कहां से ले आऊं? झल्ली जलाने वाले कपूर की बात कर रही हूं। ओ अच्छा अच्छा, वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, तो उस चक्कर में कपूर भूल गई। इतनी सारी चीजें कहां है? माला लाई? माला? वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, चक्कर में माला भूल गई। आरती की थाली लाई? वो इतनी सारी चीजें लानी थी ना, चक्कर में आरती की थाली भूल गई। खुद को लाना नहीं भूली। जा दफा हो जा, जाकर के सामान ले आ। चल। वैसे एक बात बताओ कपूर, तुझे क्या करण और तेरे नाना में ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है? सच्ची में? इसके नाना में? हाँ, और मुझ में? ऑफ कोर्स। इसका नाना भी ना उत्तम कोटी का डायरेक्टर था। अच्छा। हाँ। ए नानी मेरी बात सुन, ये लोगों को रास्ते में बैठ के रास्ता बताना ना कि अच्छा दीनदयाल का घर इधर से मुड़ो, वो डायरेक्शन नहीं होती, निकम्मापन होता है। फालतू में आदमी बैठा कोई रास्ता पूछ लेता है, बकवास कर रही है। अरे मैं बैठ के मुक्का मारूं तेरे घुटने पे? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ, बहुत बड़ा डायरेक्टर था सिद्धू साहब, वो मुझे लेकर एक फिल्म बनाने वाला था, सूखी जमीन। फिर अचानक अचानक हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हो गई, जमीन गीली हो गई, और उसी जमीन पर मैं फिसल कर गिर गई, मेरी हड्डी टूट गई, मैं फ्रैक्चर हो गया। तुझे पता है
तेरे नाना का कितना नाम था, एक बार अगर वो किसी को जुबान दे देना दोबारा वापस नहीं लेता था वो। तो पूरी बात तो बता, क्यों नहीं वापस लेते थे? हैं? एक बार सांप उनको यूं यूं कर रहा था, हाँ? नाना को लगा चिढ़ा रहा, वो भी यूं यूं करने लगा था। सांप ने ऐसे पुटिच करके खींच ली, बाद में सी यू करके गया था। सी यू सारे गांव वाले कहते दीनदयाल किसी को जुबान देता लेता नहीं। करण सर, आपको एंटीक चीजों का बड़ा शौक है ना, इनको ले जाइए कहीं, रख देना अपने ऑफिस में। एंटीक होगी तेरी माँ की माँ। तो वही तो बोल रहा हूँ। तुम तो मेरे भी आ गया। ऐसी एंटीक मैं नहीं रख सकता कहीं। थैंक यू। हैं, आ गई। कम कम कम, जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन कम ऑन, आ जा आ जा आ जा। गोगल्स गोगल्स, आइए आप आइए। मैं क्या करूं? Stand still. Stand still? Yeah. वो होता ही नहीं है। वो होता नहीं है। ये तो नहीं पहनाएंगी ना? मैं आपके पैर छू लूं? क्या हो रही है कि उल्टी आ रही है तेरे को? अब क्या? चल, अब अपने सीधे पैर से लात मार के आगे बढ़ो और सुन। मिथुन की तरह गोल मत कर देना। आए। एक मिनट, इज्जत देनी पड़ेगी ना आपको। एक मिनट, माय गॉड, रानी, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, खा लो। लेकिन मेरे सारे चावल गिरा दिए आपने। क्या? अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? करण जी देखिए, एक मिनट मैं जूता पहन लूं। नानी तू बहुत परेशान कर रही है करण सर को। हाँ। तो मैंने पकड़ के रखना है। तू क्या कर रही है तू इतनी देर से? जब तेरे को बोला था करण सर आएंगे तो आराम से रहना, तू क्या कर रही है नानी? चल इधर। हाय, अपनी माँ से ऐसा बर्ताव? नहीं, माँ की माँ है, मेरी माँ नहीं। हाय नानी, इस इमोशन में आपके बाल उगने लगे। नानी उठ जाइए, और इनका क्या करें, जो दिया उसका भी भला, जो ना दिया उसका भी भला। ओह माय गॉड, मैं आपकी आरती कर रही तो भूल ही गई, एक सेकंड। अच्छा अच्छा यस करण जी। हाँ जी। जो आपने मेरे चावल गिरा दिए ना, मेरे दो दिन की रोटी, आपका भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई, लेकिन टीचर के बिना स्टूडेंट कहाँ से आ गए? तो आपको टीचर ऑफ द ईयर बनाने पड़ेगा, ठीक है? मुझे लेके चौथी। यस, मैंने टाइटल ट्रैक भी रेडी रखा है। एक बार लता जी का गाना गाती है, मुंह कैलाश खेर वाला क्यों बनाती हैं आप? अपने काम से काम रखो तुम। ओके, अपने काम से काम रख रहा हूँ, आपके काम से काम रख रहा हूँ। नानी मेरे जीन्स गिर रहे हैं तुम्हारी औकात के साथ, और नियत का तो मैं बात ही ना करूं तो बेहतर है। चलिए आप खड़े हो जाइए। कैसा लगा नानी? बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। कार्डियक मशीन से बाहर निकली हैं आप। थैंक यू सो मच सर, आई नो आपको मेरे गाना बहुत अच्छा लगा सर। क्या गाया आपने? मैं आपकी गाड़ी के पास पेन लेकर बैठी हूँ, आप साइन करने जरूर आ जाएगा। ठीक है, फिल्म में मुझे एज मेन लीड। मैंने सोचा आपका रेजिग्नेशन। नहीं नहीं जी ना, करण इसको साइन करने बड़ी टैलेंटेड है। कहाँ कहाँ टैलेंटेड है मैं देख रहा हूँ। पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना। अच्छा, रिच है। हम आज भी पुराने नोट्स लेते हैं। यस यस यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय, एग्जिट। करण सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आइए सर, पधारिए। मैं सोफे पे कहाँ बैठ जाऊँ? सर पूरा सोफा आपका है। सबसे पहले आपको ए दिल है मुश्किल के लिए ढेर सारी बधाइयां सर। थैंक यू सर। ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार आपको फिल्म बनाने में ज्यादा मुश्किल आई कि रिलीज करने में? देखिए अभी मैं क्या बताऊं, बनने तो बन गई थी पिक्चर, रिलीज के दौरान अब मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कहूं तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ना कहूं तो बेहतर है। पाजी मुझे पता नहीं क्यों लगता है करण सर को ना बचपन में ज्योमेट्री का बड़ा शौक होगा। अच्छा, इनकी फिल्में देख लो आप, लव ट्रायंगल बड़े होते हैं। मतलब आपको सीधा सीधा इश्क समझ में नहीं आता सर के? नहीं, आई मीन आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लव ट्रायंगल बनाने का। अरे इश्क से बड़ी टेढ़ी चीज बनी नहीं है कपिल, इश्क कहां से? अगर इश्क सीधा हो गया फिर क्या फन हुआ? कोई फन नहीं है, देयर इज नो फन।
अच्छा करण सर, लोग कई लोग कहते हैं, बड़ी सारी धारणा है, कुछ लोग कहते हैं आपने DDLJ से शुरुआत की जी, एक्टिंग डेब्यू की, कुछ लोग कहते हैं बॉम्बे वेलवेट से, लेकिन हमें किसी और ने बताया कि आपने इंद्रधनुष नाम के सीरियल से आपने एक्टिंग की शुरुआत की। भगवान मुझे क्यों मेरे बचपन के बुरे सपने याद दिला रहे हो तुम कपिल। मतलब आपको अच्छा नहीं लगा था जब आपने इंद्रधनुष। मैं आपको ए सीरियल के बारे में एक चीज बताना चाहूं जी। ये था सीरियल, मैं 15 साल का था। अच्छा। तो आनंद महेंद्रू थे इस सीरियल के निर्देशक जी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को फोन किया कि मैंने सुना आपका एक मोटा बेटा है। तो मुझे एक मोटे बच्चे की बहुत जरूरत है। तो माय मदर, जो जैसी प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो पप्पी फैट है वैसे मेरा कोई। लेकिन वो कोई, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था और माँ का दिल वो ममता जाग उठी। उन्होंने कहा नहीं थोड़ा पपी फैट है फिर भी भेज देती हूँ। अच्छा। तब फिर उन्होंने कहा कि माय ऑफिस इज इन 4 बंगलोज। ओके। तो मैं साउथ बॉम्बे का बेटा था, मुझे क्या पता था। मैंने बोला बट विच वन इज, विच बंगलो डू यू लिव इन। नो एरिया का नाम है 4 बंगला। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था मैं मालाबार हिल में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं पहुंच गया। तो मैं पहुंच गया ऑडिशन बदौर मुझे देनी थी, तो 1 बजे पहुंच गया। आनंद महेंद्रू थोड़ा लेट उठते हैं, वो कुछ आपकी तरह है। और तो वो थे, तो मैं एक छोटे से कमरे में, 4 बंगले के कोई ऑफिस थी, मैं वहां बैठा हुआ था। और मेरे ऑपोजिट कोई ऐसे, कोई जाने पहचान से लग रहे थे, मेरे पहचाना नहीं, वो न्यूज़पेपर में कोई क्रॉसवर्ड कर रहे थे और चाय पी रहे थे, वन आफ्टर दी अदर नॉनस्टॉप। तो मैंने वहां बैठा हुआ था, 1, 2, 3 कुछ 5 बज गए, वो आनंद महेंद्रू जी नहीं आए जी। तो 5 बजे आनंद महेंद्रू के का कमरा का दरवाजा खुला और वो बाहर आए, और सिर्फ 2 थे, एक वो इंसान जो मैंने पहचाना नहीं और मैं ऑपोजिट बैठा हुआ था, मैं कुछ 100 किलोस का वह डब्बा बैठा हुआ था। तो वो आ गए, तो उन्होंने सीधा मुझे इग्नोर किया और सीधा उस इंसान की तरफ गए, उनसे सॉरी सॉरी मैंने आपको वेट करवाया लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। तो ही सर नहीं नहीं मैं एक्चुअली ना कहने आया था, मैं ये रोल करना ही नहीं चाहता, मैं एक्चुअली फिल्में करना चाहता हूँ, मुझे आपके ऑफिस का चाय बहुत पसंद है और ये न्यूज़पेपर में ये क्रॉसवर्ड था तो मैं खत्म करके जाना चाहता था। अच्छा। तो ही सर 4 घंटे आप यही बैठने के लिए आपने, ताकि आप मुझे ना कह सके, इसलिए आप 4 घंटे यहाँ आपने वेट किया। ही सर हाँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा, फिर उसके बाद आनंद महेंद्रू बहुत खफा हुए और वे वापस आए और मेरी तरफ के, आओ आओ बेटा, यू आर वेरी फैट, आई एम वेरी हैप्पी। एंड तो वो बैठ गए और तो मैंने कहा ही सर जानते हो वो लड़का कौन था। ऐसे नहीं मैं नहीं जानता कौन था। ही सर अरे बाबा ये छोटी सी सीरियल की, उसने, इसका नाम है शाहरुख खान और उसका लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, और आप देख लो ये तस्वीर मुझे दिखाई, पता नहीं वो कौन था। तो ही सर इसको मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा, अब आप देख लीजिए कि वो जो तस्वीर उसने भी दिखाई उसका लाइफ में कुछ नहीं हुआ। अब जिसने मुझे दिखाई उसके बारे में मैंने ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पहली मुलाकात वहां इंद्रधनुष में शाहरुख खान के साथ हुई थी और वहां मैंने वो सीरियल कर ली थी, शाहरुख खान ने वो रोल इनकार कर दिया था, लेकिन हमारी सफर उस दिन से शुरू हुई, इसीलिए ये सीरियल मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह ले चुकी है। लेकिन अदर देन दैट मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूं कि मैंने उस सीरियल में काम किया। रणबीर कपूर थोड़े दिन पहले हमारे शो पे आए थे जी, जी। उन्होंने आपके एक्टिंग करियर के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी की थी जी। विशेष टिप्पणी इन आई मीन टू से यू आर वेरी क्लासिक गाय। आई एम अ क्लासिक गाय। विशेष टिप्पणी मींस टू से स्पेशल ओपिनियन या जी। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा सकता हूँ। बॉम्बे वेलवेट तो नहीं दिखाओगे ना? नो बिल्कुल नहीं। जब हम तीनों बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी जी। उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था और वो अवार्ड के भूखे हैं। अवार्ड तो चाहिए। शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे वेलवेट मेरी, सॉरी दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है, क्योंकि मुझे सारे अवार्ड ये फिल्म के लिए चाहिए। अच्छा। जैसे फिल्म रिलीज हुई जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी, तो पूरा मतलब पारी ऑफ ही कर दिया। तो मतलब पहले आपका डेब्यू एक्चुअली फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से हुआ। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ सबसे लंबी रनिंग फिल्म है बॉम्बे वेलवेट का क्या पता, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरी पहली फिल्म। पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैंने बहुत बार देखी, उसमें आपका रोल इतना ज्यादा नहीं था जितना बॉम्बे वेलवेट में था। ये बार बार मुझे बताने का कोई अगर आपको कारण है आप मुझे अभी बता दो। नहीं ऐसे जस्ट मैं क्या करूं, वहाँ फुल लेंथ रोल था। मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि भाई मुझे विलेन का किरदार कौन देगा, तो मैं हाँ कर दूं। पिक्चर जब मैंने देखी 3 घंटे लंबी थी और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पर सर आपको विलेन का किरदार करने में इतना इंटरेस्ट क्यों था? अरे प्यार भरी फिल्में बनाते हैं आप। हाँ तो मैंने सोचा कुछ अलग करूं, लेकिन अलग करना नहीं चाहिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं मुझे मैं इतना कहूं
कि फिल्मों से भरोसा उड़ गया था उस साल, वेलवेट कपड़े से भरोसा उड़ गया था, और एक्टिंग करने से तो बिल्कुल उड़ गया। और उसके बाद कपिल मैं कहूँ मुझे एक भी ऑफर नहीं आया, एक भी नहीं, एक बुरा ऑफर भी नहीं आया ताकि मैं ना कर सकूँ, एक भी फोन नहीं मेरा बजा कि कोई आके ये कर लो, स्पेशल अपीयरेंस कर लो। मैंने इतनी भद्दी थी क्या मेरी एक्टिंग, और क्या तो पिक्चर इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि फिर वो नहीं सोचा कि मैं शायद नहीं नहीं आप, आपने बहुत अच्छा एक्ट किया सर। मैंने आप सीधे फेस के साथ ये कह रहे हैं तो मैं आपको एक प्राइज देना चाहूंगा। सर मैं आई लव यू सो मच। पता आपके हमारे सोफे में बहुत सारा वेलवेट था पहले, पर जब पता चला आप आने वाले मैंने थोड़ा निकलवा दिया, प्लेन कपड़ा रखे। अच्छा किया, अच्छा किया। ये अपने सेट पे आर्टिस्ट से क्या क्या करवाते हैं ये अनुष्का ने हमें बताया था, आपको सर बताता हूँ। सर आपके सामने बोलते नहीं, पीठ के पीछे कितना कुछ बोल के जाते हैं, दिखाई दे रहा। मैं सोशल नेटवर्किंग पे फोटोग्राफ्स देखे कुछ, कि रणबीर को करण सर कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या से करना है क्या नहीं करना है, अनुष्का को सीन कर करके बता रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो इनको कुछ सिखा रहे थे या उनका खुद हीरोइन की एक्टिंग करने का दिल कर रहा था। बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम सेट पे पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर्स को कि ओके गाइस आप सीन करिए, एक्टर्स ब्लॉक करते हैं सीन को, हम पूरा सीन इनएक्ट करते हैं जी, एंड देन शॉट लगता है जो भी है। पहले कुछ दिन मैं आती थी सेट पे, रणबीर अपना पार्ट कर रहा होता था और करण मेरा पार्ट कर रहा होता था और दोनों एक दूसरे बीच में सीन कर लेते थे और मैं बस देखती रहती थी ये क्या हो रहा है। हमारे पास तस्वीरें भी, मैं सबको दिखाता हूं यहां पे, प्लीज जरा दिखाइए क्या हो, ये देखिए। वो देखिए करण जौहर पूरा एंजॉय करते हैं करण सर अपने दोस्तों को। एक और है हमारे पास, पेश कर रहे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर। अनुष्का से ज्यादा फीलिंग ली है करण सर। मैं क्या करूं कपिल, अंदर छुपी हुई अभिनेत्री है। अच्छा करण सर की फिल्मों में एक कैमियो जरूर रहता है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काजोल ने कैमियो किया, ए दिल है मुश्किल में शाहरुख भाई ने किया जी, तो ये मतलब आपकी दोस्ती उनसे इसलिए हो जाता है कि आपको कैमियो के पैसे नहीं देने पड़ते या ऐसे ही होता है? ऐसे होता है, देखो हमेशा अपने रिश्तों का फायदा उठाना चाहिए, ऐसा रिश्ता बनाने में कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरे रिश्ते ना ATM कार्ड्स की तरह है। तो जब चाहो मैं स्वाइप कर लेता हूँ, तो हर फिल्म में 2-3 बार मेरे स्वाइप्स होते रहते हैं, और आजकल तो जरूरी भी है स्वाइप करना, क्योंकि वरना मैं लाइंस में खड़ा नहीं कर सकता। करण सर की सारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा रिलेशन है इनका सबके साथ, कोई इनको किसी काम के लिए मना नहीं करता, जैसे अभी कह चुके हैं स्वाइप कर लेते हैं, कैमियो कर जाओ आके। सर मैं आपको 5 एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक कोई ऐसी बात बतानी है जो किसी को नहीं पता है। आई मीन जो एक्चुअली ऑफिशियली नेशनल टेलीविजन पे, आई मीन यू डोंट नीड टू से एनीथिंग पर्सनल, वेरी पर्सनल, बट यस लाइक दैट, लाइक ओके द फर्स्ट वन इज करीना कपूर। करीना कपूर ना और रणबीर कपूर, मैं दोनों है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। अच्छा एक होता है करीना कपूर के पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, okay. और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर उनके रणबीर कपूर है। तो ये जो भाई बहन है ना, ऐसी इंडस्ट्री की कोई खबर नहीं जो करीना कपूर नहीं जानती। वो सुबह उठती है और उसका अपना इंफॉर्मेशन का काउंटर खुल जाता है, वो ऑनलाइन जाती है फोन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और शाम तक उसको सब पता हो जाता है, कौन क्या पहन रहा है, किस एयरपोर्ट से क्या निकल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कोई किसके साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ। और फिर शाम को अगर रणबीर कपूर को मैं फोन कर लूं तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है, मुझे वही पता। तो ये है उनकी खासियत। ओके, बड़ी अच्छी खासियत है वैसे। व्हाट अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा? सिद्धार्थ मल्होत्रा हैज अ ग्रेट लव फॉर एनिमल्स। अच्छा, उनके शायद कोई इंसान के साथ कुछ हो जाए उनके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन एनीथिंग, ही इज वेरी वेरी बिग सपोर्टर ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल वेलफेयर, लाइक अनुष्का शर्मा। वेरी नाइस। और अनुष्का शर्मा के भी यही प्रॉब्लम है। अनुष्का शर्मा एक शॉट दे रही थी ए दिल है मुश्किल में, और वो बीच शॉट में वो कर रही थी कुछ एक्टिंग, और सडनली शी टर्न्ड अवे बिकॉज उन्होंने देखा कि एक कुत्ता वाज क्रॉसिंग द रोड एंड वाज किसी ओनर के साथ नहीं था। okay. तो बीच शॉट में वो भागने लगे कहीं, और मैंने सोचा उसको कोई दौरा पड़ा है कि पता नहीं क्या हो गया उसको, कि बीच शॉट में उसने शॉट छोड़ के भागने लगी। सडनली शी वेंट अक्रॉस द रोड एंड पिक्ड अप दिस डॉग एंड सेव्ड एंड आई फेल वेरी गुड। इट्स अ गुड नाइस। सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी यही है कि, और उनका अपना एक डॉग है ऑस्कर, और वो आई थिंक वो ऑस्कर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो ही उनका ऑस्कर है। और ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम सेम लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा, आई लव एनिमल्स। वेरी गुड। एंड
वन थिंग अबाउट दीपिका पादुकोण, आई लव पादुकोण. दीपिका पादुकोण बहुत टॉल, ब्यूटीफुल और सेक्सी है, लेकिन वो बहुत ही ओवर सेंसिटिव है. ये शायद लोग नहीं जानते, क्योंकि हमेशा उनका एकदम पॉइस की तरह बैठती हैं, ठीक तरह बोलती हैं, जब वो डांस करती हैं उनकी अदाएं परफेक्ट होती हैं, लेकिन उनके दिल के मामले में वो बहुत 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 ओवरटली सेंसिटिव है, बहुत आसानी से रो लेती हैं दीपिका. सेम हेयर दीपू. वन थिंग अबाउट शाहरुख खान. वन थिंग अबाउट शाहरुख खान की वो बाथरूम में 4 घंटे बिता सकते हैं. अब वहां करते क्या है आज तक मैं और गौरी और बच्चे नहीं समझ पाए. जैसे शाहरुख खान कहता है कि मैं बाथरूम जा रही थी, से नो सारे बता नो, तो उसके बाद 4 घंटे गई के नहीं गए पता नहीं. उस बाथरूम उस अपना लाइब्रेरी बना लेते हैं, ऑफिस बना लेते हैं, पता नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली कोई इंसान 4 घंटे बाथरूम में नहीं बैठ सकता. 1.5 घंटे तक तो मैंने देखे हैं, मतलब मैं नहीं, इनका 4 घंटे का जाते जैसे ही बाथरूम गए, जस्ट कैलकुलेट फॉर अस. और दिया देते कि शाहरुख सब कहे ना कि आई एम 10 मिनट्स अवे. ओके, कभी उस बात का यकीन नहीं करना चाहिए. वो शायद थाने में होंगे और आप मलाबार हिल में हिल से आई एम 10 मिनट्स अवे, लेकिन कि शाहरुख खान है, उनका इंतजार करना तो बनता है. बनता है बिल्कुल. आलिया भट्ट. आलिया भट्ट एक्चुअली बहुत क्लेवर है, ये लोग नहीं जानते. ये एक दिन उन्होंने वो प्रेसिडेंट का नाम वो नहीं कह पाई तो सब आलिया भट्ट के जोक्स मारने लगे. एक्चुअली आलिया भट्ट से ज्यादा क्लेवर इंडस्ट्री में कोई लड़की है ही नहीं. बहुत ब्राइट है वो वाकई अपने बाप की बेटी है और रोज अपने बाप से कुछ 2-3 क्लेवर लाइन सुन के आ जाती है और हमें बोल देती है. एक्चुअली आलिया है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है. वैसे लोग बना देते हैं कि एक बात का गलत जवाब दे दिया. कल तो मैं कहीं ट्विटर पर पढ़ रहा था, किसी ने एक नया जोक बनाया, कहते आलिया किसी से पूछ रही थी कि 2000 के नोट में जो चिप है उसमें कितने गाने बनवा सकते हैं. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन थिंग अबाउट कपिल शर्मा. नो वन नो, आई मीन समथिंग स्पेशल अबाउट हिम. अबाउट कपिल शर्मा, या दैट गर्ल्स फाइंड कपिल शर्मा वेरी सेक्सी. आपको पता नहीं, आपकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग है आप भी दंग रह जाएंगे. पता नहीं क्या आप में क्या बात होती है जब लड़कियां. ये अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है सर. इनफैक्ट यू कैन रिसाइट अ पोएट्री नाउ इफ यू लाइक इन इंग्लिश. सो यू नो इट्स जस्ट रूमर्स अबाउट मी दैट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, बट आई यू नो आई एम वेरी मच गुड इन इंग्लिश. आई नो एंड आई डिस्कवर्ड दैट व्हेन वी डिड अ शो टुगेदर. और दूसरा ये ट्वीट बड़े स्वीट करता है. हाँ, और वो भी रातों के बीचों बीच, पता नहीं आपको आप में माता आ जाती है क्या. ये चीजें तो करण सर से सीखने वाली हैं सर. कोई भी मुद्दे को ले लो, आप जितनी मर्जी देर बोलते रहो और मजेदार बोलते रहो. यू फ्लो लाइक अ रिवर. अरे थैंक यू सर. फर्र करके ठोको गुरु ठोको. मैं वाकई है, अच्छी प्रीति बोल रही थी, मैं वाकई आई वांट टू ब्रिंग माय मदर ऑन दिस शो. शी लव्स द शो, शी इज अ ह्यूज फैन. वो रात ही को देख, मैं इसलिए सारे कैरेक्टर्स को मैं जानता हूँ बिकॉज मैं रात को मैं देख रहा था उनके साथ. वो अच्छा. रिपीट पे वो देख रही थी और वो रिकॉर्ड करती हैं, फिर रिपीट पे देखती हैं, फिर बार बार देखती हैं. उनको अच्छा लगता है. करण सर इतने बड़े डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आए हुए. अच्छा पाजी, मुझे पता था एक ना एक दिन करण सर मेरे को जरूर मिलेंगे. ये कॉम्बो देखा कभी, चप्पल निक्कर और कमीज के ऊपर टाई. ये तो कुछ भी नहीं है. मैं पाजी ऊपर से बीए पास हूँ, नीचे से बीए फेल हूँ. ये तो कुछ भी नहीं, इसकी कमीज खोल के देख लेना, नीचे से ब्लाउज पहना होगा इसे. इसकी ड्रेस सेंस आप बहुत इंटरेस्टिंग है. वैसे आप मुझे आपकी फैशन बहुत अच्छी लगी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. और बड़ी बात है, कंसिस्टेंट बहुत है. आप इसका नी देख लो, घुटना मुंह सेम फीचर्स. कपिल शर्मा प्लीज आप मत बोलिए. करण सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ. क्या? क्यों? अजीब. मैंने क्या बिगाड़ा है? सर मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है. बहुत बढ़िया जी. आपका शुरू हुआ जी? बिल्कुल. प्रोग्राम जी, आपको देखते हैं लोग. सर मैंने इसलिए अपना प्रोग्राम शुरू कर लिया कि मैंने सोचा मैं इनके शो में कब तक काम करता रहूंगा. मेरे अपने भी फैंस हैं इधर वाली, सारी ऑडियंस मेरी है. तो मैं सर अभी प्रोग्राम का सारा सेटअप लेकर आता हूँ. मेरा सेटअप था यार एक तो.
कर दिया तू। यहाँ बैठना है? जी सर। अच्छा ये क्या, लेकिन मैं तो चाय पीता नहीं। चल दे, चल तेरा शो पहले फ्लॉप, काम ही खराब हो गया। तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे ब्लॉप होगा, हम जलेबी रख लेते हैं। जलेबी उनको क्या बता, वो मालाबार हिल्स में पले बड़े, उनको क्या पता जलेबी क्या होती है? मैं बताता हूँ जलेबी क्या होती है। जलेबी होती है मिठाइयों की कैटरीना कैफ, जो घूम घूम कर अपनी आइटम बना लेती है। और आफ्टर द जलेबी देयर इज अ चिप चिप, एंड आफ्टर चिप चिप सी इधर एंड उधर, देन यूज सोफा। बट नॉट लूंगी, बिकॉज इफ यू यूज लूंगी देयर आर चीटीज, चीटीज कमिंग एंड अटैक, सो चाय इज सेफ सर। जी सर। ओए ये कहां से निकाला तुमने, क्वेश्चन सारे गर्म कर दिए तुमने। पारी अगर मैं चाय गर्मा गर्म दे सकता हूं तो क्वेश्चन गर्मा गर्म क्यों नहीं दे सकता हूं। सही है। सर सबसे पहला सवाल है, सबसे आपको अच्छी टांगे किसकी लगती है, जैकनिल फर्नांडिस या फिर तंदूरी चिकन? मुझे फिलहाल आपकी टांगे बहुत अच्छी लग रही है। नजर ना लगे टिक्का लगवा दो वहां। तो मुझे लेकर आप कौन सी फिल्म बना सकते हैं? इंटरवल। तो तुझे लेकर बड़ी बड़ी फिल्में बन सकती है एक्चुअली। करण सर की सारी फिल्में देख लो, ये ग्लास कब धुलेंगे, कब कब धोता है, कभी बिस्कुट कभी मट्टी, कभी चूल्हा कभी भट्टी। खैर जोरदार तालियां करण सर के लिए, इन्होंने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। तो सर इसके लिए आपको मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें बेडरूम से लेकर बाथरूम तक जाने का सारा सामान होगा। बेडरूम से बाथरूम जाने का सामान? हाँ जी। वो क्या होता है? जब आप गिफ्ट हैम्पर खोलेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा उसमें क्या क्या है। सो जोरदार तालियां हमारे करण सर के लिए। गिफ्ट हैम्पर इज रेडी। जोरदार तालियां। मुझे खोलनी है? जी बिल्कुल सर। इसको खोलो सर, इसमें कोई भरोसा नहीं, क्या डाल के दिया इसने। What is this? I don't know. Is it a gamcha? करण सर यू नो यू आर ए मलाबार हिल बॉय, वहां पे ये नहीं, ये मीरा रोड टाइप कच्चे हैं। अच्छा जिनका था उन्होंने पहन लिया। ओ ये कच्चे हैं। एक काम कर, इसको थोड़ा सा टाइट करा के ना अपने मुंह का कवर बना। How lovely is this cocoa? No, it's chai patti. Oh. Dry tea leaf. वो भी यूज की हुई है, दोबारा सुखा के पैकेट में डाली, बदतमीज आदमी। This is साबुन। साबुन fragrance. I love the shades, blue, light blue, white, beautiful. Okay, thank you. E. ये क्या है, अदरक कौन देता है? ओ अदरक है। आपको क्या लगा था? ये गाना है ना लॉन्ग वाचा, ये वो है ना लॉन्ग? नहीं सर ये हरी इलायची है। लॉन्ग अलग होता है। Oh, I don't know the difference. Yeah, you take. तेरा सारा गिफ्ट टेम्पर तेरे मुंह पे मारे, लाना तो तेरे शो पे, ये क्या दे रहा है उनको? मेरा शो हिट है, मैं टोकरी रही, ये भी चल भीख मांग जाके बाहर। देखो मेरी बात सुनो, मेरा शो हिट हो गया, देखो कैसे जल रहे हैं। सेल्फी लेंगे हम जाते जाते, प्लीज सेल्फी लाइए। जी सर। यहां से ऑन होता है, आपका भी होना जरूरी है। इधर आओ यार, मेरा शो हिट हो गया है। पहले सेल्फी मोड ऑन कर। ओ सेल्फी मोड ऑन कर पहले। उधर क्या देख रहा है? सो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, चाय विद चंदू, और अपने आसपास के चाय वाले को पैसे देते रहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चलो चल आइए सर, उसके मुंह लग रहे हैं, आइए। बहुत लोग हमें लाइटली ले रहे हैं, फालतू में हमारे शो में कोई नहीं घुसता। करण सर एक बात बताइए, मैंने सुना आपने फ्रेंच लैंग्वेज में काफी अच्छा खासा डिप्लोमा किया है। वी। हाँ जी वी। वी का मतलब फ्रेंच में यस होता है। ओके यस। वी बोलो। वी। 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 वी नहीं होता, उई मैं मर गई, उई वो 80s वाला उई है। हाँ। ये है उई।
उई थोड़ा रोल करो अपने टंग को उई अच्छा हिंदुस्तान में लोगों को फ्रेंच में दो ही चीजों में इंटरेस्ट है, एक फ्रेंच किस और दूसरी फ्रेंच फ्राइज। तो सर आपने ना तो किसी फ्रेंच हीरोइन को लॉन्च किया आज जी, तक। जी जी हमेशा आप बॉलीवुड में हमारे हिंदुस्तानी हीरोइंस को लॉन्च करते हैं, फ्रेंच आपका इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब फ्रेंच किसिंग से देखिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की पब्लिसिटी भी करना चाहूंगा यहाँ लगा लगे हाथ उनका भी कर लूं जी। ये बेफिक्रे में फ्रांस में उन्होंने शूट किया पेरिस में okay. और बहुत किसिंग के परफॉर्मेंस, क्योंकि फ्रेंच किसिंग बहुत एक स्पेसिफिक आर्ट है, इसलिए मैंने फ्रेंच सीखी ताकि मेरी किसिंग की क्वालिटी बेहतर हो जाए क्योंकि जब वो बोलते हैं ना तो आपने ऐसे होता है तो वो किसिंग बेटर हो जाता है। वी जे स्वी क्यूए वुले वु कुशे अवेक मुआ, उसका मतलब क्या है? उसका क्या मतलब है? विल यू लाइक टू स्लीप विद मी। मैं आपको इसका पंजाबी वर्जन बताऊं? हाँ आओ एक एक कमरे दो दो हो जाइए। एक और भी मजेदार है गुजराती में, तमे आवू छो के मैं आवी जाऊं। काफी इंटेलेक्चुअल बातचीत हुई हमारे करण जौहर के साथ, बहुत ही रोमांचक सफर रहा। पाजी आपको पता है फिल्म बाहुबली ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर हिट 700-800 करोड़ रुपए कमाया उसने, उसमें करण सर भी प्रोड्यूसर हैं साथ में। अच्छा सर आपको तो पता होगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? देखिए हम क्या है, हम प्रेजेंटर्स हैं उस फिल्म के फॉर द हिंदी वर्जन okay. तो उसे कहते हैं चांस पे डांस, तो हमने okay. हमें चांस मिल गया, हम डांस करने लगे और बाहुबली में हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमारा नाम उस फिल्म में आ जाता है। हम बहुत ही खुश हैं कि इतनी कमाल की पिक्चर में हमारा नाम है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने खुद ये राजा मौली सर जो फिल्म के निर्देशक है, मैंने खुद ये पूछा है और वो हंसने लगे। वो हंसने का जवाब तो था ही नहीं, वो हंसने लगे। मैंने बोला कि किसने क्यों मारा मुझे कोई बताएगा, पार्ट टू मैं भी नहीं जानता। ये अप्रैल को रिलीज होने वाली है, तब नेशन वाइड पता चल जाएगा कि ये सवाल का जवाब क्या है, मुझे खुद नहीं पता। करण सर के पापा ने बहुत अच्छी अच्छी यादगार फिल्में बनाई हैं, बड़ी ही मेमोरेबल फिल्में हैं। सर मैं कुछ एक डायलॉग आपके पापा की फिल्म से आपको देता हूँ, आपको अपने स्टाइल में बोलना है। हे भगवान, ऐसे ही मस्ती के लिए काला पत्थर का डायलॉग है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं है जो थर से खोला और फर से पी गया। Tuesday's blood is not lemon juice that I won't slurp and burp with it. आज तो साइकिल भी टल्ली लग रहा है मुझे। 500 का नोट क्या बंद हुआ, दुनिया हिली हुई है। डॉक्टर साहब दुनिया नहीं हिल रही, आपने पी रखी है। नहीं नहीं यार मैंने नहीं पी हुई। आपके मुंह से यहां तक स्मेल आ रही है। मेरे तो जुराबों से भी स्मेल आती है, उसने भी पी हुई है फिर। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हेलो डॉक्टर साहब कहाँ चलते हैं? करण साहब आए हैं, कोई हेलो आए तो हो जाए। आप देख कहाँ रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए वेरी मच एट यू बट आप प्लीज इसे समझाइए कुछ इस आदमी। करण साहब यहाँ बैठे हैं इधर। नहीं मैं तो मच्छर पकड़ रहा था भाई। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, दो कौन पीता है जितनी आपने पी है? मेरे को मेरी बात सुनो पकल शर्मा। अब नहीं तपल शर्मा, नहीं जो भी तुम शर्मा हो, मैंने पी नहीं हुई है। मैं तुमको बता चुका हूँ, आप क्यों नहीं बताते? नाम का है मिश्र गुलाटी, शाहरुख खान जी आप बताइए इनको। मैंने ये शाहरुख खान नहीं करण जौहर है ये। मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था एज ए डॉक्टर, उनको बहुत टेस्ट लेने पड़ते हैं। Hi, I'm Dr. Mishra Gulati, MCBH. MCBH मतलब? मेरी कैपेसिटी बहुत है। अंदर के बाहर।
I'm there. वैसे बड़ा अच्छा कॉफी बनाते हैं आप. मेरा मतलब वो शो है आपका. वेरी नाइस. आप कॉफी बनाते हैं, लोग उसकी कॉपी करते हैं, पता है आपको? पता है. कुर्सियां लगा के ना लोगों को बिठा के इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं लोग. पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड. मैं चाहता हूँ जमाने में लोग मेरे को सम्मानित करें. कोई करेगा नहीं मेरे को सम्मानित, इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपना सम्मान करूंगा, स्पीच भी दूंगा मैं. स्पीच आप कहां से देंगे? जबान आपकी लड़खड़ा रही है. अभी नया नया चलना सीखी है ना मेरी जुबान, तो इसलिए लड़खड़ा रही है. लड़खड़ाते ही हैं शायद सवार मैदान जंग में. क्यों सिद्धू साहब? सिद्धू साहब इधर है. हैं जी? इधर है सिद्धू साहब. सिद्धू साहब. सिद्धू साहब कहां नहीं है. सिद्धू साहब. सिद्धू साहब पटियाला में, सिद्धू साहब अमृतसर में, सिद्धू साहब दिल में, हर आदमी के दिल में सिद्धू साहब. बस इसको कोई ढूंढने वाला होना चाहिए, जरूरत होती है तो बस कहने की भी ठोको तो सिद्धू साहब आ जाते हैं बाहर. डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर आपने पी नहीं हुई तो ये आपकी शर्ट जो है पेंट के अंदर ऐसे बंदी क्यों हुई है? इनका फेयर चल रहा है. जिप के साथ. ए, टेलर की शॉप में अफेयर इनका शुरू हो गया था, वहां मुलाकात हुई थी. दे आर डेटिंग ईच अदर. लेकिन दुनिया के सामने कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स. डॉक्टर साहब सही से बताओ, आपने क्यों पी हुई है? कोई पीता है गम बुलाने को, कोई पीता है खुशी के मारे. मैंने पी हुई है क्योंकि मेरे जेब में 70 रुपए थे. 70 रुपए कहाँ से आए आपके पास? कहाँ से आए मतलब क्या? मैं किसी और के लिए एटीएम की लाइन में लगा हुआ था, 25 रुपए घंटे का रेट चल रहा है वहाँ पे. ऐसे बड़े कामों के ऑफर आते हैं मेरे को करण जी. यार मैं तो तुम्हें भी थोड़ा सोचता हूँ, काम दे दूँ. खाली बैठे इंटरव्यू करते रहते हो. क्या काम देंगे आप? देने का तो मेरा दिल कर रहा है आपको, एक गाली समझ में नहीं आ रही कौन सी दूं. ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करा देने. मैंने पैसे तब दोगे ना, पहले कमा तो लो. यार तुमसे बातें नहीं करनी मेरे को. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना. डॉक्टर साहब ये साइकिल है, ट्रेडमिल नहीं है. मेरा पीछा नहीं करना, वहीं खड़े रहो अपना. तो इंटरव्यू करते रहे, डॉक्टर साहब जा रहे हैं. डॉक्टर साहब हेलो. मेरे पीछे नहीं आना. अरे आपका साइकिल स्टैंड पे लगा हुआ है. अरे हम स्टैंड लेता है अपनी बात का, इसलिए समाज में हर आदमी को स्टैंड लेना चाहिए. बैठिए, ये तो आप पागल हैं, सब करते हैं फालतू में. इनको अपनी दुआओं में भी याद नहीं रख सकते. बिल्कुल नहीं सर. करण सर आप हमेशा अपने शो में लोगों का इंटरव्यू करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं. आज यहाँ पे आपके फैंस आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं. जी बिल्कुल जी. तो आप लोग जो भी करण सर से पूछना चाहते हैं आप अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं. हाँ जी, माइक ले लीजिए सर, पेट नीचे रखना चाहे. आ जाएगा. नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार जी सर. नमस्कार करण जी. नमस्कार. मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. सीखना मेरे को. हाँ जी. आप आजकल बहुत आउट होके लेते हैं फोटो. पाउडर पाउडर होके. तो मैं ये चाहूंगा आप भी मेरे को थोड़ा सा सिखा दें. क्या करना है? सीख के अभी पाउडर सीख क्या करना है? क्या? कोई मिल जाए आलिया जैसी का, कोई कोई आलिया जैसी, कटरीना जैसी कोई मिल जाए, मैं आपके पास आऊं. कहो तो आप आ देखिए, खड़े हो जाइए कपिल. हाँ तो आ जाइए अंकल जी. थैंक यू. आप ना वो होता ना मटके वाली कुल्फी होती ना अंकल, मटके वाली कुल्फी, उसको सारा चूस के ना. नमस्कार. नमस्कार. डंडी बाहर फेंक देना, मुंह ऐसे रहेगा. यहाँ जाइए, अपना 3/4 आप ले लीजिए. ले लिया. यहाँ देखिए सिद्धू साहब की तरफ करिए उनको. पाजी आपका ये दिन आ गए. हो रहा है
देखिए देखिए आपके पाउट का सर सिद्धू पाजी इतने एक्साइट हो गए हैं। मैं खुद देख रहा इतने एक्साइट हो गए कि टेलीविजन का स्क्रीन उन्होंने अपने सामने डाल दिया। मत छोड़िए अंकल, ब्रह्मास्त्र मत छोड़िए, मैं खेरू खेरू हो जाऊंगा। हाँ तो चलिए अंकल जी, आई रिस्पेक्ट कि आप पाउट करना चाहते हैं सेल्फी मोड में, तो क्या लिया आपने, चिन ऊपर ऐसे रख लिया, एंगल आपका 3/4 ऐसा हो गया, मच्छी बन गए आपको, सांपते हुए मच्छी लग रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये ऐसे कहते हैं आप, आप इसी तरह आपके अच्छे तस्वीरें आएंगी सेल्फी मोड में, इसी तरह आप अपने तस्वीर ले लीजिए। हो गया आपका, हो गया, हो गया, शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस जी। और कोई भाई बंधु? जी मैम, माइक दे दीजिए मैम को। हेलो करण सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सिद्धू पाजी। हेलो। करण सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वाओ। और ये शाम में गुड मॉर्निंग वाली लड़की है। और मुझे पता है कि आपको डपली वाले डपली बजा ये वाला गाना बहुत पसंद है। डपली वाले डपली। तो मैं इस गाने के साथ आप अपना नाम आह रख लो। तो मैं इस गाने पर आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। आ जाइए डांस कर लेंगे मेरे के। मोहतरमा, अगर आपकी आवाज में आह थी ना तो डांस में वाह। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके लिए खूबसूरत सा मोबाइल। करण सर, आप अपने हाथों से इनको प्रदान कीजिए, ये आप, और ये डफली भी ले लीजिए, डफली भी आपकी। पर आपने बहुत अच्छा डांस किया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत फरमाइश की, करण सर का डांस देखने को मिला जी। और कोई हमारे दोस्त जो करण सर से बात करना चाहते हैं? जी जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो। हाय करण सर। सर मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपको जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं जैसे कि आर डी बर्मन जी के और किशोर कुमार के, वो बहुत पसंद है, और मुझे भी ऐसे एवरग्रीन सॉन्ग बहुत पसंद है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए कोई भी एक आर डी बर्मन जी का पुराना सॉन्ग गा दोगे? मैं गा बिल्कुल नहीं सकता। मैं आपके साथ गाती हूँ, मुझे भी सिंगिंग बहुत पसंद है। कौन सा गाना आप चुनिए? मैं सारे गानों के लफ्ज मैं जानता हूँ। हमें तुमसे प्यार की थी। मैं हम दोनों कोरस बने। डेफिनेटली मैं वहां जाऊँ। आ जाइए। करण सर, हम लोग ना ऐसे सिटी केबल के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ जी। उसमें हमने थोड़ा सॉरी बट हमने उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि हम करण जौहर की शादी करवा रहे हैं सिटी केबल के प्रोग्राम में, खाली थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेट करना है और कुछ नहीं है। अच्छा ओके ओके, फटाफट सेटल लगाओ। लड़का वाला देखने आ रहा है। तो आने दीजिए ना, मैं क्या डरती हूँ क्या, देख लूंगी एक एक को। कुश्ती करने नहीं आ रहा है, तू देख लेगी सबको, तुझे देख नहीं आ रहा है। तूने वो चना का उबला दाल खा लिया था रात को? एक साफ हो गया, पिछली बार की तरह बम बड़ाम नहीं करना इस बार। भाग गया था लड़का, ठीक है, लड़का वाला आता ही होगा। आते ही क्या होंगे, हम तो आ गए। अच्छा ये घंटी जैसा मुंह आपने अंदर रखा हुआ है, इसको बाहर दरवाजे में लगाओ। अरे घंटी जलाएगा क्या? अच्छा ये है नंदोई जी। अच्छा अच्छा चलो आ जाओ, दरवाजा खुला है, दिख नहीं रहा घंटी बजा रहा है। आ जाओ आ जाओ बेटे, इधर बैठो, आ जाओ बैठिए, आ जाओ बैठो बेटे, बैठो बैठिए नंदोई जी। आप कौन हैं? हम लोग लड़की देखने आए हैं। मैं लड़के का चाचा हूँ। अच्छा। पर बात यह है कि लड़का मेरा चाचा नहीं है, बैठिए। लड़का चाचा नहीं है। बेटा जल्दी जल्दी से लड़की देखो भाई, जब तक मुझे भी टाइम पास के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ। मेरा टाइम पास कैसे रहेगा?
एक काम करो, ये देख लो। अच्छा बेटे मेरी बात सुनो, ये मुंह 8 नवंबर को बंद नहीं हो गए थे? मेरे ख्याल से 8 नवंबर को बंद हो गया था, 8 नवंबर को 1000 का नोट बंद हुआ था। अच्छा तो तुम्हें तो गवर्नमेंट की तरफ से 250 रुपया मिला होगा, क्योंकि ये मुंह तो 750 का है। एक मिनट जरा नंदोई जी, एक मिनट जरा। ए राजू, राजू उस दिन कौन सी गाली दिया था तू मुझको? हाँ ये दोबारा बोल दूँ। हेलो जी, जी सेम टू यू। भाई एक काम करो, जल्दी लड़की दिखाओ, हमें और भी लड़कियां देखने जाना है। ऐसे नहीं दिखाएंगे, पहले आप अपना जूता निकालिए। लड़की दिखाओ, क्या पता जूता आपने अभी निकला है। चलिए अभी आप चप चप बात करते रहेंगे हमेशा, ऐसा क्या करते रहते? लड़का लड़की को आपस में बात करने दीजिए, बात कर लीजिए, थोड़ा बात करना। हाँ जी नमस्ते। ये बात करती हैं ऐसी ऐसी आवाज निकलती हैं। देखिए फिल्मों में आप रोमांस डायरेक्ट करते हैं। जी जी, आज डायरेक्ट रोमांस कर लीजिए, मैं तो कहती हूँ। अच्छा, मुझसे नहीं होता ये। आपसे नहीं होता है, लेकिन शाहरुख खान से तो होता है। हाँ जी। एक काम कीजिए, आप शाहरुख खान बनिए, आ मेरी काजोल, आप भैंसिया। शाहरुख खान कहाँ है? शाहरुख खान इधर है। आइए आइए नंदोई जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। मैं डायलॉग बोल देता हूँ, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू ना कर या ना कर, तू जो कर ले किरण। डायलॉग तो थोड़ा अलग है ना? डायलॉग अलग है। अरे तू कौन सा सेम है? चलिए कहाँ ये पकलौली करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जरा इनको हमारी शक्ल दिखा के खुश कर दीजिए ना। अच्छा अभी दिखाते हैं, आइए देख लीजिए शक्ल है, उद्घाटन कर रहे हैं। ये वो हॉस्पिटल होता है जिसका उद्घाटन करके पत्थर रख जाते, बाद में बनाता कोई नहीं। देखो उद्घाटन हो गया, अब मैं नारियल फोड़ूंगा इसके मुंह पे। बेटे आपने कहीं वो गाना का मतलब गलत तो नहीं ले लिया कि सजना है मुझे सजना के लिए, सूजना है मुझे सजना के लिए? मैं आपको बताऊं, भगवान ने आपको बड़ी प्यारी ननद दी है। हाँ। इतना अच्छा मुंह है, इसको तोड़ के पिया करो, गर्मियों में ठंडा होता है। लड़की को आपस में बात करने दीजिए। बेटे एकदम से मना मत करना, मेरे को पता तुम्हें वॉमिटिंग हो रही, लेकिन पहले चाय पी लेते, काजू खा लेते, फिर मना करना। नहीं हाँ, नहीं हाँ, हमारे पास काजू है ही नहीं, खाली मूंगफली है, उसका मेकअप कर करके उसको काजू बनाया हमने, खाई गया। कैसे बात करते हैं? लड़का वाला देखने आया, तू सारा राज बता रही है, मूंगफली मूंगफली भी खा रहा है वो, भुक्कड़ है। मैं लड़का ठीक है चाचा, बकवास है। अकेले में बात कीजिए, बात कीजिए। बिल्कुल नहीं, मेरे साथ इनके साथ अकेला जाना जरूरी है, ये मेरा बेटा खा जाएगी। मेरा सारा मूड खराब हो गया इसका मुंह देख के। अभी मुझे फटाफट जाके कैटरीना कैफ टाइप लड़की देखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा खराब मुंह है आपका। क्या तरीका हुआ बात करने का? मैं कैटरीना कैफ देख के आता हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। अभी सुहागरात का टाइम आ गया, आप भी आएंगी सुहागरात? नहीं नहीं, आइए सुहागरात का टाइम है, आइए आइए। इनका अकेले नहीं हो सकता क्या? मुझे लगता है ये खुद कर सकती है सब कुछ, मैं देख लूंगा एज एन ऑडियंस। और इसे कहते हैं खुद खुशी। नहीं खुद खुशी नहीं, हमको बड़ा खुशी है नंदोई जी। चलिए अभी आपका सुहागरात का टाइम है, ये आपका हार है, दूल्हा राजा। सुहागरात मना रही है, सूली पे चढ़ा रही है। हार नहीं मानते हैं, बैठिए। चलिए अब हम यहाँ पे दरवाजा बन के खड़े हैं। Thank you.
सॉरी, ओ मैं अपना पेटीकोट भूल गई थी, पेटीकोट ले लेती हूँ। यार सुहाग रात चल रहा है, आप इधर बीच बीच में कैसे आ सकती हैं? एक मिनट, ये मेरी पेटी, ये मेरा कोट, ये भूल गई थी। चले, अगली बार कुछ भूली ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी रिंकू भौजी। हेलो, मैं लड़के का चाचा, मैं एक बात पूछनी भूल गया था आपको। अरे आप भी लेडीज बन गया। लेडीज बन गया है मैं आपसे एक बात पूछनी भूल गया था। हाँ। लड़की का कारपेट एरिया कितना है? क्योंकि हमारा 2 BHK लड़की की पार्किंग बाहर। ये बंगलो है सर जी। बेटे तुमने शादी कर ली? हाँ शादी। मैं पता करने गया था इसके बारे में, बहुत गलत दुल्हन है, पिछली शादी इसकी टूट चुकी है, इसने सुहाग रात पे फाट कर दिया था, दूल्हा अभी तक हॉस्पिटल में है, ऐसी दुल्हन का इलाज मेरे पास है। बेटे मैं तुम्हारा चाचा। आपकी छाती क्यों फूल गई है बेटा? ये देखो मैं तुम्हें और तुम्हारी हाथ में लेके मरूंगा मैं, तुमने मेरे भतीजे को गलती से। अरे ऐसा मत कीजिए। मैं मेरे भतीजे को गलती से पता है। क्या कर रहे हैं आप? मैं तुझे भी ले डूबूंगा। ऐसा मत कीजिए, ये क्या है? देखिए ये लो, ताकि आगे से किसी का धंधा बता। चल क्या रहे हंस रही है कि रो रही है? इधर को पूछ, क्या साइड में जाके पूछो इससे। इधर आओ, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। इधर आओ, आंखें बंद करो। ये लो, चलो एक बार करण सर के लिए जोरदार तालियां। करण सर, वंस अगेन आपको ऐ दिल है मुश्किल के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू कपिल, और आपकी आने वाली फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मजा आया आप हमारे साथ। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, नाचते रहिए, और अपने आसपास सफाई जरूर रखें, और देखते रहिए।